हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज, मक्खन वाली मिक्स वेज होटल जैसी। इसमें मक्खन डलता है, इसके लिए लिया है मैंने कटी हुई सब्जियाँ। इसमें है गाजर, बीन्स, मटर और ये है गोभी और आलू। आलू की जगह पनीर भी डाल सकते हैं। इन सबको मैंने काट कर धो लिया है। अब पैन को गैस पे रखकर गरम कर लिया। उसमें मैंने एक पूरा पीस सॉल्टेड बटर डाला है। उसको उसके अंदर ही मैंने जीरा, छोटी बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, सूखे मसाले जो भी हैं, धनिया, ये सब डाला है। फिर उसमें मैंने लहसुन 7-8 कलियाँ और इसे अच्छे से सॉटे कर लिया। इसको तब तक सॉटे करना है जब तक ये प्याज की जो परतें हैं ओपन ना हो जाए। इसमें अदरक भी डाली है मैंने, हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च डाली है। क्योंकि हरी मिर्च और मिर्च, सिंपल मिर्च अगर डाल रहे हैं या ये डाल रहे हैं तो ध्यान से। और उसके बाद मैंने थोड़े से काजू, 8-10, और टमाटर मैं डाल के अच्छे से टमाटर के नरम होने तक मिक्स कर रही हूँ। जब तक टमाटर मिक्स होंगे तब तक मैं मिक्सी के जार की तैयारी कर लेती हूँ। आप भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मैंने हल्दी, मिर्च और नमक टेस्ट के अनुसार डाला है। अब इसमें मैं जो मसाला है वो पीस लूंगी। मिक्सी के जार में मसाला मेरा पीस गया है। अब मैं इसमें कढ़ाई में दोबारा बटर डालूंगी, थोड़ा सा तेल भी ले सकते हैं। और ये बटर वाला है मिक्स वेज और ये ग्रेवी एंड बटर वाला। अब अच्छे से ग्रेवी को पका लें। मैंने अच्छे से ग्रेवी को पका लिया है। उसके अंदर जो मैंने काटी हुई सब्जियां हैं वो मैं डालूं। अब ये पक गया है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब मैंने जितनी भी सब्जियां काटी हुई थी सब इसमें डाल दूं, गोभी, आलू, सेम फली, सब। आलू की जगह पनीर भी डाला जा सकता है, मगर आलू नहीं भी डालो। पक गई है। आलू गलने तक इसको ढकेंगे। आज पकाएंगे तेज पे। अगर पानी सुखाना है तो सुखाया भी जा सकता है। और अच्छे से पक गई है। ये बहुत स्वाद लगती है, कलर भी कितना अच्छा आया, बढ़िया कलर है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है टेस्ट के लिए। अच्छे से चला लें। अभी बन के बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग और गरम मसाला डाला और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया, इससे इसमें टेस्ट आ जाएगा। इसको चलाएंगे अच्छे से। और ढक दिया। 5 मिनट के बाद इसको हटाएंगे। हटाने के बाद
चेक करेंगे। आलू हमारा गल गया। इसमें हम गार्निशिंग के लिए काजू डालेंगे, क्योंकि होटल जैसे बनाने हैं तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी हमारी ग्रेवी वाले मक्खन वाले मिक्स वेज तैयार। एकदम रेडी। अब इसे हम खाने के लिए डोंगे में डालें। बन के पूरा तैयार है। मक्खन वाली होटल जैसी हमारी तैयार। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और हो सके तो सुपर थैंक्स भी दें। पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ये तैयार है खाने के लिए गर्मा गर्म होटल जैसे मक्खन वाले। Thank you.